क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल का भी पहला हाफ भी नहीं गुजरा है, सिर्फ दो हफ्ते का वक्त गुजरा है, लेकिन अभी से ही T20 वर्ल्ड कप की टीम फाइनल नजर आ रही है। यहाँ तक कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दो बड़े हिंट दिए हैं और कहानी तो यहाँ तक है कि हार्दिक पांड्या की जगह वर्ल्ड कप टीम में नहीं दिख रही है। जी हाँ, हार्दिक पांड्या की छुट्टी हो सकती है और शिवम दुबे के साथ इन बड़े दिग्गजों को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलना तय माना जा रहा है। तो आपको अजीत अगरकर ने क्या दिया हिंट, क्या हो सकती है वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम, और आपको सब कुछ बताते हैं। इस पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो न सिर्फ भारत बल्कि T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की करीब करीब सभी टीमें पाकिस्तान को छोड़कर आईपीएल के जरिए ही अपनी वर्ल्ड कप टीमें फाइनल करने वाली है और भारत में भी यही होने वाला है, सबको यही पता है। अब वैसे तो टीम का पहला ड्राफ्ट आईसीसी को भेजने का वक्त 1 मई का है, यानी कि अभी करीब 20 दिन का वक्त बचा है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम का पहला ड्राफ्ट फाइनल नजर आ रहा है, जिसमें अजीत अगरकर ने बड़े बड़े हिंट दिए हैं। आपको बताते हैं वही टीम। तो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तान होने वाले, घोषणा पहले ही हो चुकी है, लिहाजा रोहित टीम में होंगे बतौर कप्तान भी और बतौर ओपनर भी। अब बड़ी बात यह कि रोहित ने विराट कोहली को लेकर पहले ही चयनकर्ताओं को साफ कर दिया था कि विराट कोहली उन्हें हर हाल में टीम में चाहिए, वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। तो खुशकिस्मती है कि विराट का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, यानी कि विराट कोहली टीम के दूसरे बल्लेबाज होंगे और हो सकता है कि विराट वर्ल्ड कप में टीम के लिए ओपनिंग भी करें। टीम के तीसरे बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल में से एक होगा, इन दोनों में से जो भी आईपीएल में ज्यादा बेहतर करेगा, जिसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा, वही वर्ल्ड कप जाएगा, ये भी फिलहाल तय है। और अभी तो जायसवाल के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि वो बाएं हाथ से इम्पैक्ट लेकर आते हैं। मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो सूर्यकुमार यादव टीम के चौथे बल्लेबाज, रिंकू सिंह टीम के पांचवें बल्लेबाज होंगे, इन दोनों की जगह बिल्कुल पक्की है, ये दोनों खिलाड़ी खेलेंगे। और ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे ने अपना दावा मजबूत नहीं किया बल्कि अपनी जगह कंफर्म कर ली है। जी हां, अजीत अगरकर जो कि मुख्य चयनकर्ता है, उन्होंने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद को बातचीत में बताया है कि वो शिवम दुबे से खासे प्रभावित हैं और धोनी की टीम में खेल रहे शिवम दुबे का वर्ल्ड कप में खेलने लायक प्रदर्शन है, यानी कि शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होंगे और प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, क्योंकि शिवम दुबे का खेल, उनके लंबे लंबे छक्के और खास तौर पर स्पिनर्स को मारने की एबिलिटी जबरदस्त है। लिहाजा टीम के छठे खिलाड़ी शिवम दुबे होंगे जो कि ऑलराउंडर के रूप में टीम में आएंगे। इसके बाद जगह सिर्फ विकेट कीपर की बचती है बल्लेबाजी में। जी हां, हमने जो नाम आपको बताए वो खेलने वाले है, उनका टीम में होना तय है, लिहाजा हार्दिक पांड्या के लिए यहाँ पर जगह नहीं बच रही है। अब विकेट कीपर के तौर पर बड़ा धमाका यहाँ पर होने जा रहा है, शानदार वापसी करने वाले बैटिंग भी बेजोड़ कर रहे ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इसे लेकर भी हिंट दिया है। वेंकटेश प्रसाद ने बताया है कि अजीत की नजर ऋषभ पंत पर है और पंत विकेट कीपर की रेस में सबसे आगे हैं क्योंकि बाकी के विकेट कीपर ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब इसके बाद भले ही हार्दिक पांड्या टीम में भले ही हो सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में उनको खेलने का मौका शायद बेहद मुश्किल से मिले, क्योंकि वो ना तो बल्ले से कुछ कर पा रहे हैं और ना ही गेंदबाजी में आईपीएल में कुछ खास कर पा रहे हैं, लिहाजा पांड्या का पत्ता साफ हो सकता है। हालांकि हार्दिक पांड्या को 11 में जगह मिलती है तो भी शिवम दुबे का पक्का खेलना तय है और पांड्या के लिए तब रिंकू सिंह को जगह खाली करनी पड़ सकती है, लेकिन पांड्या के लिए सिचुएशन बेहद टाइट है। हार्दिक पांड्या को अपनी जगह बनाने के लिए अब अच्छा प्रदर्शन करना होगा आईपीएल में, नहीं तो कप्तानी करने के सपने देखने वाले हार्दिक पांड्या 1 सेकंड में टीम से ही बाहर हो जाएंगे। अब इन 8 खिलाड़ियों के बाद गेंदबाजों की बात करते हैं। तेज गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह टीम के लीडिंग बॉलर होंगे और उनका साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज और आवेश खान में से एक खिलाड़ी होगा। इनके अलावा एक बाएं हाथ का गेंदबाज होगा जो कि अर्शदीप सिंह हो सकते हैं, और यही नहीं, अगर पूरे टूर्नामेंट में मयंक यादव अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लगातार अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, तो चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर मयंक यादव की भी T20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री हो सकती है, जो कि लगातार 150 से ऊपर की बॉल फेंकते हैं। अब 14 सदस्यीय टीम में इन 12 नामों के बाद 2 स्पिनर्स को भी जगह मिलेगी और पहले स्पिनर तो रविंद्र जडेजा बिल्कुल तय है जो कि बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे, और दूसरे स्पिनर के लिए खासी कड़ी लड़ाई होने वाली है क्योंकि कुलदीप यादव जो अब तक टीम में शामिल थे वो रेस में अभी भी फिलहाल सबसे आगे हैं, लेकिन युजवेंद्र चहल भी रेस में आ गए हैं जो कि आईपीएल में जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, रवि बिश्नोई है वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इनके अलावा अक्षर पटेल है जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन बल्लेबाजी में भी देते हैं, लिहाजा वो भी रेस में बने हुए हैं। इन चारों स्पिनर्स में से सिर्फ एक को ही जगह मिलेगी, तो कुल मिलाकर ये टीम होने वाली है वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें हार्दिक पांड्या के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है, जबकि शिवम दुबे की एंट्री लगभग पक्की मानी जा रही है और ऋषभ पंत की भी वापसी यहां पर होने जा रही है। तो आपका इस टीम पर क्या कहना है और कितने बदलाव हो सकते हैं इस टीम में, आप क्या मानते हैं, और साथ ही साथ आपकी नजर में क्या हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो चेन्नई ने केकेआर को हराया तो ये कोलकाता की इस सीजन की पहली हार थी। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि केकेआर को हराना इस सीजन बेहद मुश्किल होने वाला है, मगर धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने इस काम को बेहद आसान कर दिया और चेन्नई ने केकेआर को 7 विकेट से रौंद दिया। अब इस जीत में भले ही चेन्नई के गेंदबाज रविंद्र जडेजा, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे के साथ ही बल्लेबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे का बड़ा योगदान हो, लेकिन धोनी का जो विंटेज अवतार, जो खास प्लान 19वें ओवर में नजर आया, वो भी सीएसके की जीत की बड़ी वजह माना जा रहा है। क्योंकि यहां पर धोनी ने अपने प्लान के तहत रसल को पहले तो अपने जाल में पूरी तरह से लपेट दिया और फिर ढेर कर दिया। अब वो कैसे हुआ वो देखिए। अब केकेआर बल्लेबाजी के दौरान जूझ रही थी, लेकिन रसल क्रीज पर थे तो लग रहा था कि आखिरी दो ओवर में भी 40 से 50 रन बन सकते हैं, जैसा कि मुंबई की टीम ने दिल्ली के खिलाफ किया था। 19वें ओवर में तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए और यहीं पर धोनी ने रसल को ढेर करने का पुख्ता प्लान बनाया। ओवर शुरू होने से ठीक पहले धोनी ने इशारा करके गेंदबाजी कोच डेन ब्रावो को मैदान में बुलाया और रसल के बारे में प्लान करने को कहा। इस दौरान धोनी, कप्तान ऋतुराज, डेन ब्रावो और गेंदबाज तुषार देशपांडे बातें करते रहे और यहीं पर प्लान भी बन गया। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे तुषार देशपांडे अचानक राउंड द विकेट गेंदबाजी करने लगे और अक्सर डेन ब्रावो भी डेथ ओवर्स में ऐसा करते थे और वहीं धोनी ने तुषार देशपांडे को भी ऐसा ही करने को कहा और रसल को बॉल पर शॉट मारने के लिए मजबूर करने को कहा। ओवर की दूसरी बॉल थी जो कि एंगल के साथ आई राउंड द विकेट बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर चली गई, जिस पर रसल ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की लेकिन मिस टाइम हो गए। इस शॉट में वो पावर जनरेट कर ही नहीं पाए। लॉन्ग ऑन पर खड़े डेरल मिचेल के हाथों में बॉल चली गई और यहीं पर आंद्रे रसल ढेर हो गए। अब ये वही आंद्रे रसल थे जो पिछले मैचों में गेंदबाजों के लिए काल बन रहे थे, ताबड़तोड़ रन ठोक रहे थे, चौके छक्के इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ढेर हो गए। धोनी के प्लान के सामने रसल ने सरेंडर कर दिया, आउट हो गए। अब आंद्रे रसल के आउट होने का असर ये हुआ कि जो केकेआर आखिरी दो ओवर में 50 रन भी बना सकती थी, स्कोर 180 के आसपास भी जा सकता था, तो वही केकेआर आखिरी दो ओवर में सिर्फ 10 रन बना पाई और स्कोर 140 से भी कम रह गया। यहीं पर केकेआर मैच हार गई क्योंकि स्कोर बहुत कम बना था, टारगेट बहुत ही छोटा था। केकेआर रन पूरे मैच में नहीं बना पाई और खासतौर पर डेथ ओवर्स में तो पूरी तरह से केकेआर की टीम फेल हो गई, खासतौर पर आंद्रे रसल ढेर हो गए, फेल हो गए और इसमें धोनी का प्लान चल पड़ा। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि केकेआर की पारी का 19वां ओवर टर्निंग पॉइंट रहा और यहीं पर जैसे ही रसल आउट हुए तो वैसे ही केकेआर की टीम मैच हार गई और धोनी का पुख्ता प्लान यहां पर सीएसके के लिए काम कर गया, क्योंकि इसके बाद 138 रन के टारगेट को चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहद ही ज्यादा आसानी से हासिल कर लिया। तो आपका धोनी के इस प्लान पर, आंद्रे रसल को घेर कर आउट करने के प्लान पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।